आइए बैठिए। थैंक यू सर। दिव्यांश। यस सर। ये आपका कौन सा प्रयास है दिव्यांश? सर मेरा अभी चौथा प्रयास है। और इंटरव्यू आप? सर तीसरा है। तीसरा इंटरव्यू? यस सर। क्या कमियां लगती हैं आपको जो पिछले तीन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर मेरा मेंस में कम नंबर हो जा रहे थे पहले बार, जब दूसरी बार दिया था प्री मतलब पीएससी का एग्जाम उसमें मेंस में कम नंबर थे और तीसरी बार में इंटरव्यू में कम नंबर थे। क्या लगा आपको, क्यों कम नंबर हुए आपके? सर कुछ कुछ सब्जेक्ट में जैसे साइंस में मेरे कम नंबर थे। नहीं नहीं, इंटरव्यू में बेसिकली आपके मार्क्स क्यों कम? सर इंटरव्यू अचानक से उसकी डेट आई थी तो ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं पाया था, छठवें सातवें दिन में ये हो गया था इंटरव्यू। अच्छा, कितने मार्क्स मिले थे आपको? सर 65। 65 मिले थे। दिव्यांश, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 2019 में, फिर अचानक से हमने एमए पॉलिटिकल साइंस स्विच कर दिया, डायरेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट से सीधा ह्यूमैनिटी में आ जाना, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली जब हम लोग 12th में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उस टाइम ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो ग्रेजुएशन के टाइम इंजीनियरिंग चूज़ किया था, फिर जब वहाँ गए तो टेक्निकल सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने फिर सोचा कि 71.8 का एग्रीगेट है आपका। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में क्या अंतर है? सर राजनीति विज्ञान वो तो बताता है कि राजनीति और समाज के बीच क्या संबंध होता है, और लोक प्रशासन बताता है कि किस प्रकार का शासन किया जाए जिससे जनता का कल्याण हो सके। बस ये डिफरेंस सर अभी तक इतना ही पता है। अच्छा, लोक प्रशासन का दायरा बड़ा है या राजनीति का दायरा बड़ा है? सर राजनीति का दायरा बड़ा है। कैसे? सर राजनीति में ये भी बताया जाता है कि वोट किस मुद्दों पर पड़ते हैं और जनता से संबंधित क्या क्या परेशानी है, उनका समाधान क्या है, ये सब के बारे में भी चर्चा होती है, जबकि लोक प्रशासन में होता है कि किस तरह बेहतर लोगों को सर्व किया जाए उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, आपने एमए पॉलिटिकल साइंस किया होगा तो आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़े होंगे? यस सर, मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने कोविड के टाइम किया है, उस टाइम तो एग्ज़ाम। आप तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही प्रश्न उठा दे रहे हैं, कोविड के टाइम पर पढ़े। अच्छा, नहीं क्रिकेट खेलते हैं आप? यस सर। कि देखते हैं केवल? सर खेल कॉलेज में खेलता भी था, अभी भी खेलता हूँ, पर अभी ऐसे लोकल दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्तों के साथ। अच्छा, अभी महिला T20 विश्व कप किसने जीता अभी? सर कल ही न्यूजीलैंड ने जीता। न्यूजीलैंड जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने इसमें? सर साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं, अच्छे से नाम याद नहीं है। श्योर साउथ अफ्रीका की प्लेयर है? नहीं सर, न्यूजीलैंड की हैं, ए से कुछ नाम है, एमिलिया कर। सर ठीक है। अच्छा, अभी जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है तो आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है इसमें, क्योंकि आप एमए पॉलिटिकल साइंस से हैं? सर मुझे लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे जो लगातार चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, विकास कार्यों में जो रुकावटें पैदा होती हैं उसमें कमी आएगी, जो लगातार चुनाव के कारण जो धन बल का प्रयोग होता है उसमें कमी आएगी, और इसके पहले तो चुनौती नहीं दिखाई देती कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के बीच में एक साथ पर केंद्र और राज्य के चुनाव करवा पाना चुनौती नहीं? सर चुनौती है, पर इसके पहले भी हो चुका है, 1967 तक चुनाव एक साथ ही होते थे दोनों के, उसके बाद जब लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष पहले समाप्त हो गया इस कारण, और कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा था। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आदर्श आचार संहिता? सर आदर्श आचार संहिता जन प्रतिनिधित्व कानून के आधार पर बनाया गया है, जो सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बनाया गया है आपस में। तो क्या ये आपराधिक मामला होता है क्या इसमें, अगर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे तो आपराधिक केस दर्ज होगा? सर मुझे नहीं पता। अच्छा, आदर्श आचार संहिता किसने तैयार किया है? सर राजनीतिक दलों ने मिलके चुनाव आयोग के साथ बैठ के। तो राजनीतिक दल तय करेंगे कि चुनाव आयोग? सर स्टार्टिंग में राजनीतिक दल मिलके चुनाव आयोग के साथ मिलके तय किए थे कि क्या क्या इसके वो होने चाहिए, कानून होने चाहिए। अच्छा, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है और राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा के चुनाव होने के मतदान की तारीख के कितने दिनों के पूर्व आदर्श आचार संहिता लग जाती है, या कब से लगती है और कब खत्म होती है आदर्श आचार संहिता? सर जब चुनाव आयोग घोषणा करता है चुनाव की तब लगती है, और जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उस दिन समाप्त हो जाती है, उसके एक या दो दिन बाद उसकी ऑफिशियल घोषणा भी होती है समाप्त होने की।
अच्छा, आदर्श आचार संहिता में जो नए रोजगार होते हैं, सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर पाती, ऐसा क्यों है? सर, ताकि जनता इससे प्रभावित हो के उनके वोटिंग पैटर्न पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए। अच्छा, जो एग्जिट पोल कहा जाता है, यस सर, क्या आप मानते हैं कि ये संविधान सम्मत है या संविधान का उल्लंघन है? एग्जिट पोल जो मीडिया हाउसेस जो जारी करती हैं, यस सर, ये संविधान के अनुसार है या संविधान के विपरीत है? सर, एग्जिट पोल नहीं, ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो गुप्त मतदान प्रणाली पर आधारित है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम पर बेस्ड है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो एग्जिट पोल होते हैं वो लिया जाना, जारी किया जाना सही है या उचित नहीं? सर, चूंकि चुनाव के बाद एग्जिट पोल जारी होते हैं, इसलिए वैध माना जा सकता है इसको। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? सर, इलेक्टोरल बॉन्ड एक केंद्र की स्कीम थी जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था जाके किसी बैंक में राजनीतिक दल के लिए कोई बॉन्ड खरीद सकती थी और उसे राजनीतिक पार्टी कार्यालय में जमा कराती थी और उसके द्वारा उन्हें पैसा दिया जाता था राजनीतिक दलों को। दिव्यांश, आपके नाम का अर्थ क्या है? सर, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ गॉड, देवी शक्तियों का अंश। अच्छा, आपने अभी जो बायोडाटा में उल्लेख किया है पेंड्रा, क्या लगता है कि पेंड्रा एक आपको जिला है? सर हाँ, जिला है, तीनों को मिला के जिला, क्योंकि पहले बिलासपुर जिला था तो 100 किलोमीटर लोगों को आना पड़ता था। डिस्ट्रिक्ट का उल्लेख नहीं किया है? क्या सर, पेंड्रा में अपने जिला का नाम नहीं लिखा है, तो क्या आप पेंड्रा को संपूर्ण जिला मानते हैं? नहीं नहीं सर, मुझे लगा था कि दोबारा फॉर्म भराएगा वो जो पीएससी वाला है, ये ऐसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। अच्छा, आप क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं? यस सर। है ना, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन एक तकनीकी विश्वविद्यालय है? विवेकानंद, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। कब बना है ये? सर 2005 में। 2005 में बना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप क्या ऐसा सीखे हैं जिसका उपयोग आप प्रशासन में कर पाएंगे? सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्रशासन में तो टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग होगा, क्या आप ग्रामीण स्तर में काम करेंगे जिसमें? सर, जैसे कोई भी नया निर्माण कार्य हो रहा है या फिर कोई इंडस्ट्री लग रही है वहां पे कार्य किया जा सकता है। आपके नजरिए से क्या लगता है कि एक अच्छा प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए जो आप में विद्यमान? सर, एक अनुशासन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। क्या इसमें नेतृत्व क्षमता मायने रखता है क्या एक प्रशासक में कि नहीं रखता? यस सर, रखता रखता है। आप में नहीं है? सर है। आप में है? यस सर। ठीक, अच्छा बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स एक लॉ होता है, जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? क्या है सर थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, लॉ। लॉ सर, उसके तीन लॉ हैं सर। पहला तो जितनी ऊर्जा दी जाएगी उतना कार्य होगा सर। दूसरा याद नहीं आ रहा। तीसरा है कि परम शून्यता पे एंट्रोपी शून्य होती है। और जीरो लॉक, जीरो लॉक किसको बोलेंगे हम लोग? सर मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ। पेंड्रा में कोई ऐसा कुछ खासियत है क्या धार्मिक दृष्टिकोण से? यस सर, वहाँ पे जलेश्वर धाम है जो अमरकंटक के पास है। इसके अलावा मरही माता का मंदिर है भनवारटंग में और धनपुर में शक्तिपीठ है। पापा क्या करते हैं दिव्यांश? सर शिक्षक हैं। शिक्षक हैं, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से आप एमए पॉलिटिकल साइंस किए हैं? यस सर। यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी के जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सर, अटल बिहारी वाजपेयी देश में देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। इनके कुछ हम सुशासन दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? सर 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को इनके जन्मदिन के। 25 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार के गठन के बाद। यस सर। अभी हाल ही में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर? माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 25 दिसंबर 2023 को कुछ अहम फैसले लिए हैं सुशासन दिवस के अवसर पर, क्या आप जानते हैं? सर, सुशासन व अभिसरण विभाग का गठन हुआ था और
सर एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, पर सर ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर। अभी वर्तमान में कौन कौन से राज्य में चुनाव हुए हैं? सर हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। और होने वाले हैं? सर महाराष्ट्र और झारखंड में। बस दो जगह इलेक्शन होने वाला है, और कुछ जगह इलेक्शन होने वाला है सर? बाकी जगह उपचुनाव है कुछ कुछ राज्यों में। अच्छा, आप अपने वंश के कोई प्रमुख राजा का नाम बता सकते हैं क्या? यस सर, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। आप उनसे क्या सीख लिए? उनसे कुछ शिक्षा लिए हैं राजनीति का? सर अपने विरोधियों के ऊपर भरोसा ना करना। भरोसा ना करना। अच्छा ये बताइए, अभी छत्तीसगढ़ में सूरजपुर घटना और कवर्धा का जो घटना हुआ था, यस सर, इसमें आप विफलता किसकी मानते हैं, प्रशासन का या फिर आपका सरकार का? सर कौन फेल हुआ, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन? सर चूंकि दोनों की ही खामी थी कुछ ना कुछ। प्रशासन यदि खामी है तो फिर उसमें राज्य सरकार की भी खामी आई जाती है, क्योंकि उन्होंने वैसा। दोनों पागल हैं, दोनों गलती की हैं। नहीं सर पागल नहीं है सर, ऐसे इतने बड़े राज्य में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, होती रहती हैं। नहीं आगे भी होती रहेंगी। नहीं नहीं सर, कोशिश किया जाएगा उसको कम करने के लिए, राज्य सरकार करती है, पर इतने बड़े राज्य में कभी कभी चूक हो जाती है। ठीक। अच्छा ये बताइए, दशहरा में सोन, अभी दशहरा गया है, यस सर, फेस्टिवल, उसमें सोन पत्ती बांटने की प्रथा कौन शुरू किया था? सर बिंबाजी भोसले ने। बिंबाजी भोसले ने। अच्छा ये बताइए, आपका क्रिकेट आपने लिखा है, वॉचिंग क्रिकेट, यस सर, आप देखते भी कि खेलते भी? सर दोनों। दोनों, यस सर। लॉन्ग ऑन किसे कहते हैं? लॉन्ग ऑन यदि कोई दाहिने हाथ का बल्लेबाज है तो जो स्ट्रेट के राइट साइड में का जो एरिया होता है, स्क्वायर कट, स्क्वायर ऑफ हाँ सर, पॉइंट के बगल में। पॉइंट किसको कहते हैं? सर यदि कोई दाहिने हाथ का बल्लेबाज है तो। अच्छा नो बॉल कितने तरीके से फेंका जा सकता है? सर नो बॉल या तो ओवर स्टेपिंग करने से, ओवर में दो बार बाउंसर डालने से, और कमर के ऊपर बॉल फेंकने से। अच्छा मान के चलिए क्रिकेट खेलते हुए बैट्समैन ने एक शॉट लगाया और बल्ला बीच से टूट गया, यस सर, तो उस स्थिति पे बॉल को काउंट किया जाएगा कि रन को काउंट किया जाएगा? सर रन को काउंट किया जाएगा, बॉल को भी किया जाएगा। दोनों काउंट किया जाएगा कि दोनों में से किसी एक को? सर दोनों किया जाएगा। दोनों किया जाएगा। ठीक, थैंक यू।